नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। यूपी में होगा कांग्रेस और सपा का गठबंधन, गुलाम नबी आजाद ने किया ऐलान। शीला दीक्षित ने सीएम पद की उम्मीदवारी से वापस लिया नाम, जल्द ही गठबंधन का होगा औपचारिक ऐलान। मुलायम सिंह यादव नहीं उतारेंगे अपने उम्मीदवार, अखिलेश को सौंपी अपने 38 समर्थकों के नामों की सूची। लिस्ट में शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव का नाम। साइकिल चिन पर सुप्रीम कोर्ट में अखिलेश गुट ने दायर की कैवियट। एसपी नेता रामगोपाल यादव की ओर से दायर की गई याचिका। मुलायम ने शिवपाल को दी कोर्ट न जाने की सलाह। बसपा से बाहर हुए अमरपाल का बड़ा खुलासा, बीएसपी प्रमुख मायावती पर बोला हमला। कहा टिकट के लिए मांगे थे 8 करोड़, नहीं देने पर पार्टी से किया बाहर। आज कांग्रेस में शामिल हुए अमरपाल। दिल्ली पुलिस प्रमुख आलोक वर्मा बन सकते हैं सीबीआई के नए चीफ। 26 जनवरी के बाद ग्रहण कर सकते हैं पदभार। अनिल सिन्हा के सेनानिवृत्त होने के बाद से खाली चल रहा है पद। आईपीएस राकेश अस्थाना है सीबीआई अंतरिम निदेशक। और ओबामा ने ईरान परमाणु समझौते को लेकर ट्रंप को दी चेतावनी। ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को महत्वपूर्ण और ठोस परिणाम वाला दिया करार। ट्रंप ने की थी ईरान के साथ परमाणु समझौते की निंदा, अब तक का सबसे खराब समझौता करार दिया था। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।